नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषध केंद्र में मैं पुनः स्वागत करता हूं। साथियों आज का सुबह आप सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही लाभदायक हो, आप स्वास्थ्यवर्धक हो। प्रतिदिन मैं यही कामना करता हूं कि लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। साथियों आज के इस कड़ी में अपन बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जो बहुत ही रेयर होती है लेकिन आज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लगभग 6 महीने के दौरान हमारे पास 2-3 केसेस आ चुके हैं एप्लास्टिक एनीमिया। साथियों एप्लास्टिक एनीमिया ये बहुत ही क्रिटिकल बीमारी है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथियों इस वीडियो को शुरू करने के पहले यानी हम इस पर चर्चा शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर करें साथियों और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें जिससे कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे साथियों, समय समय पर आप और आपके लोगों तक पहुंचती रहे साथियों। साथियों हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और हम अवेयर कर रहे हैं कि कैसे होती है, कैसे अपन बच सकते हैं। साथियों अपन बात करेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। साथियों है क्या एक ऐसी बीमारी है साथियों जो इलेक्ट्रोसाइट्स जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं उसकी ये बीमारी है। साथियों इस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारा बोन मैरो होता है, जो हमारे ब्लड का प्रोडक्शन करता है, उसमें धीरे धीरे हमारे शरीर ब्लड बनाना कम कर देती है या कि ऐसा समझिए कि धीरे धीरे ब्लड बिल्कुल ही बनना बंद हो जाता है। डॉक्टर अक्सर इसको ऐसा करती हैं, जो हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इसको अक्सर ये करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं यानी ब्लड दूसरे का लेके और आपके हमारे बॉडी में जो इन्फेक्टेड है उसके बॉडी में ये डोनेट मतलब चढ़ाते हैं। साथियों अपन बात करेंगे कि जो प्लास्टिक एनीमिया है इसमें शरीर जब ब्लड ही बनाना बंद कर देती है तो जो ब्लड चढ़ाते भी हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है और शरीर और ज़्यादा इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाती है। साथियों बहुत ही रेयर और बहुत ही क्रिटिकल डिसीज होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये धीरे धीरे इसके जो सिम्टम्स आते हैं, चक्कर आना, ब्लड का इन्फेक्शन हो जाना साथियों, खून संबंधी तमाम बीमारी होना, प्लेटलेट्स का लगातार इसमें से ब्रेकअप होता है साथियों, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है हमारे ब्लड में। दूसरी चीज़ साथियों हीमोग्लोबिन भी टूटता है यानी कि ब्लड से संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी तरीके से खत्म होना शुरू हो जाती है। साथियों इंसान एनीमिक हो जाता है, उसकी खून लगातार खत्म होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। साथियों इस कंडीशन में कई बार अभी आप लोग भी देख सकते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में कि भी मैंने भी देखा है, यूट्यूब पे देखा है, हमने भी देखा है आपके गूगल पे, कि लगभग 30 से 35 लाख रुपए लगते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए और वो भी गारंटी नहीं होती, ठीक होने के चांसेस लगभग नहीं होते और बहुत सारे समस्या और भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो साथियों इसमें अपन करें क्या, कर क्या सकते हैं। साथियों हमारे पास ऐसे 2-3 पेशेंट आए हैं जिसमें से कि वो ठीक हुए हैं, ऐसा कहा जाए कि हमारे नेचर की वजह से ठीक हुए हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स की वजह से, और कुछ नेचुरल जो प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं उसको भी हमने दिया है प्रूफ के साथ में हमारे पास। और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप ये वीडियो देखेंगे तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसके लिंक डाल देंगे, आप देख सकते हैं। वो रीवा जिले, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हरदी महडानी गाँव की एक माता जी हैं, उनको लगभग डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ये ज़्यादा दिन नहीं बचेंगी और वो लगभग उनके घर में ला लिए थे और वो डेथ कंडीशन पे थी। अपन गए देखे और कुछ चीज़ अपन ने दिया और आज अपने बीच में सुरक्षित हैं साथियों। और डॉक्टर लगभग 30 से 35 लाख रुपए, उन्होंने बताया कि लगभग 15 लाख रुपए मांग रहे थे लेकिन जो हमने देखा कि लगभग 30 से 35 लाख रुपए लगता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने में। साथियों अपन बात करेंगे कि इसमें जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन ये हो जाती है कि पेशेंट वीक होना शुरू हो जाता है और लगभग उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस केसेस में साथियों अपन अब बात करते हैं कि अगर एनीमिया है और आपकी ब्लड संबंधी समस्या है तो शुरू से ही उसकी देखभाल करें, अपने डॉक्टर से सलाह ले लें और हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर जो भी फैमिली डॉक्टर्स हैं उनसे आप एडवाइस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि डायरेक्ट एडवाइस ले भी सकते हैं साथियों। इसमें से सबसे अद्भुत प्रोडक्ट जो काम किया है उनके बॉडी के ऊपर, उनका वीडियो भी उसमें देख सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर भी, उनके घर का आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। ये आपका क्लोरोफिल है, इसको अपन ग्रीन ब्लड कहते हैं, हरा खून कहते हैं साथियों। ये अल्फा अल्फा का तैयार किया है, ये भीम वेलनेस इंटरनेशनल एक संस्था है साथियों, उसका ये प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। इसको अपन ने शुरू करवाया था 5-5 ml सुबह दोपहर शाम, इसको शुरू करवाया था। उसके बाद साथियों अपन ने शुरू करवाया था,
ये मल्टी बेरी सीरप है जिसमें 18 प्रकार की बेरीज इसके अंदर डली हुई है साथियों। ये बहुत ही अच्छा काम करने वाला प्रोडक्ट है साथियों। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि इनहेंस विद 18 बेरी फॉर इम्यूनिटी एंड ब्यूटी एंड हार्ट एंड एनीमिक पेशेंट्स। उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा काम करने वाला ये प्रोडक्ट है साथियों और बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट आ रहे हैं साथियों। सबसे पहले उनके ये ब्लड के रूप में, यानी ऐसा कहा जाए कि नेचुरल ब्लड के रूप में पहुंचना शुरू हो जाता था, उनका ब्लड का जो इन्फेक्शन था उसको भी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनके बॉडी को ये एल्कलाइन करना शुरू कर देता है साथियों, क्योंकि बहुत ही अच्छा ओरक वैल्यू उसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरी चीज नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपना ग्रेप सीड। ये साथियों अंगूर के बीज का सत्व है, एक अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट होता है, इन्फेक्शन को बहुत तेजी के साथ रोकता है, ब्लड के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, लीवर को प्रोडक्शन करता है साथियों, सॉरी लीवर का प्रोटेक्ट करता है, और बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है साथियों। सबसे पहले ये उनके लीवर, किडनी और ब्लड के ऊपर ये बहुत ही इफेक्टिव काम करता है साथियों। ये हीमोग्लोबिन को भी मेंटेन करता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो ये ग्रेप सीड होता है साथियों, इसमें हम सीटी पाया जाता है मीडियम चेन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है उनकी इम्यूनिटी के लिए, और खासकर ये ब्लड को मेंटेन करने का भी बहुत अच्छा कार्य करता है साथियों। प्लेटलेट्स को भी बहुत तेजी के साथ इम्प्रूव करने का भी कार्य करता है साथियों, क्योंकि इसमें से कोकोनट टेंडर की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है साथियों, इसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं साथियों। अगर शुरुआती दौर है तो बहुत अच्छा है, लास्ट स्टेज है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रिकवर होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं साथियों। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं, इनका कोई भी किसी के बॉडी में नुकसान नहीं होता, और एक दो प्रोडक्ट हमको तैयार करके इसके साथ साथ देते हैं साथियों। हमने पिछले वीडियो में हमने दिखाया भी था कि ये इसका कॉम्बिनेशन है साथियों, ये हम इसको बना के देते हैं और बहुत ही बेहतर इसके ऊपर काम किया है। उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक रहेगा उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी को भी साथियों ये समस्या है तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करें, और उम्मीद है कि लोगों को अच्छे आराम मिलते ही हैं साथियों। तो बस आज इतना ही। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगती है तो इसको शेयर जरूर करिए साथियों, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद। चैनल में बने रहें, आगे और भी वीडियो आती रहेंगी।